नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। टोपोलैंड जमीनों के मुआवजे से नाराज किसानों ने मुंगेर समाहरणालय के सामने किया प्रदर्शन। निर्माणाधीन राष्ट्रीय मार्ग संख्या 333 के लिए सरकार के द्वारा की गई अधिग्रहण भूमि से टोपोलैंड किसान एवं उस पर रह रहे वासी की जमीन का जो मूल्य निर्धारण किया गया है उसके लिए नाराजगी जाहिर करते हुए मुंगेर जिला अधिकारी तक अपनी आवाज़ पहुंचने हेतु सभी किसानों ने मुंगेर समाहरणालय का घेराव किया। उक्त भूमि पर अधिग्रहण हेतु सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी उसके द्वारा बिहार राज्य के मुंगेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333B से ही संबंधित है। सारा रजिस्ट्रीकरण 2015 का है। वहीं जमीन के मुआवजे से दुखी किसान ने जिला समाहरणालय के आगे मीडिया को दिए बयान में बताया कि भूमि का निबंधन लाल दरवाजे के आधार पर होता रहा है जिसमें 2013 से 14 में निबंधक द्वारा विकासशील आवासीय का मूल्य 3,07,807 रुपये प्रति डिसमिल निर्धारित किया गया था। उपरोक्त वर्णित भूमि का भी निबंधन के वक्त राजस्व इसी आधार पर लिया गया है। एक तरफ सरकार के द्वारा राजस्व लेने के वक्त लगभग मूल्य 10 लाख रुपए प्रति कट्टा निर्धारित किया गया तो दूसरी तरफ मुआवजा भुगतान के वक्त उसी भूमि का मूल्य 15,000 रुपए प्रति कट्टा निर्धारित किया गया है जिससे सभी किसान दुखी होकर आज मुंगेर जिला अधिकारी समाहरणालय सभागार के गेट प्रदर्शन करते दिखाई दिए। पथ में जिन भी लोगों की जमीन ली जा रही है उसका मुआवजा 15,000 रुपया निर्धारित किया गया प्रति कट्ठा और उस हिसाब से 60,000 रुपया ही मुआवजा प्रति कट्ठा इन सबको मिलेगा जो कि जमीन के वास्तविक मूल्य से बहुत कम है। मुआवजा कम से कम इसका 40 लाख रुपया प्रति कट्ठा होना चाहिए। पूरे भारत में कहीं भी किसी भी जमीन का मुआवजा 60,000 रुपया प्रति कट्ठा नहीं है। ये लोग अपनी जमीन राष्ट्रीय परियोजना में देने के लिए तैयार हैं लेकिन 9,40,000 रुपया प्रति कट्ठा ये गरीब गुरबा किसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से मैं सुशासन सरकार से यह अपील करता हूं कि अपने ही नागरिकों के अपने ही जमीन लेने में इन सब के साथ इतना अन्याय नहीं करें, नहीं तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा और बहुत कड़ा आंदोलन होगा। मैं संजय केसरी, प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी। मुआवजा ये लोग जो है ना नहीं दे रहा है और जमीन का रेट जो है बहुत कम दाम पर दे रहा है। 15,000 रुपये कट्ठा जमीन का दाम लगा रहा है जबकि जो है निबंधन जो है इसका 10 लाख रुपया प्रति कट्ठा के आधार पर हुआ है और उसका निबंधन शुल्क भी हम लोग जो है दिए हैं रजिस्ट्री करा करके और उसके बाद जो है मैंने कह रहा है कि ये जमीन जो है नगर निगम क्षेत्र में भी जो है नहीं आता है। नगर निगम वाला भी बेईमानी कर गया। 1901 और 2 के सर्वे के अनुसार नगर निगम में हमारा जो है जमाल कितना पड़ता है लेकिन उसके बाद जो है नगर निगम जो है वो नगर निगम से बाहर कर दिया 1917 में। आबादी बढ़ी, संसाधन सीमित था तो नगर निगम से जो है बाहर कहीं चला गया। नगर निगम वाला जवाब दे और उसके बाद जो है नगर निगम ने गलत रिपोर्ट दे दिया और उसके बाद सब पदाधिकारीगण जो है सब गलत रिपोर्ट ही देने के लिए बैठा हुआ है। हम लोग प्रशासन को जो है ना पूरा जो है मदद कर दे रहे हैं कि आप पुल बनाइए, सब चीज़ होगा, अच्छी बात होगी। हम लोग जमीन को फिर देखने नहीं जाएंगे, हम लोग उचित मुआवजा दे दें। जितना पर हम लोग जमीन का रजिस्ट्री हुआ है 8.5 लाख पर जमीन का रजिस्ट्री हुआ है हमको मुआवजा दे दे
उस हिसाब से। क्या नाम होल्डिंग टैक्स जो लेता है? पंकज कुमार नाम हुआ मेरा। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।